विराट कोहली। पूर्व भारतीय कप्तान पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म को तलाश रहे हैं। कभी लगातार बड़ी पारियां खेलने वाले कोहली लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसके चलते ये दिग्गज बल्लेबाज लगभग हर दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स लगातार उन्हें कई तरह की सलाह देते रहते हैं। कोहली को सलाह देने वालों में देश से लेकर विदेश तक के दिग्गज शामिल हैं। अब पाकिस्तानी दिग्गज और इंग्लैंड के पूर्व कोच मुश्ताक अहमद ने कोहली को लेकर बड़ा दावा किया है। मुश्ताक के मुताबिक अभी जारी इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने कोहली को अहम सलाह दी थी, जिस पर कोहली ने गौर भी किया है। मुश्ताक ने यह दावा पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के एक प्रोग्राम में किया। मुश्ताक अहमद ने कहा कि कोहली ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और बाद में उन्होंने बल्लेबाजी में इसे अप्लाई भी किया। मुश्ताक ने कहा, इंग्लैंड दौरे पर एक बार वो जिम में मुझसे मिले थे, तब मैंने उन्हें एक दो चीज़ें बताई जिसे विराट ने बेहद ध्यान से सुना। मैंने उन्हें बताया कि जब वह 10-15 रन बना लेते हैं तब उनका फ्रंट फुट सीधा पिच पर आता है, साथ ही जब वह ड्राइव के लिए जाते हैं तब उनका पैर उस दिशा में नहीं जाता है, इसी वजह से बल्ले का किनारा लग जाता है। विराट कोहली ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और बाद में उन्होंने बल्लेबाजी में इसे अप्लाई भी किया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंग्लैंड ने कोहली को आउट करने के लिए कैसे रणनीति बनाई। मुश्ताक ने कहा, हमने लिमिटेड ओवर सीरीज के दौरान कोहली के लिए एक प्लान बनाया। मैंने कहा कि एक एशियाई कोच होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उनके पहले 15 रन के लिए एक टाइट फील्ड रखनी चाहिए, उन्हें गेंद को मिड ऑफ, मिड ऑन या कवर पर मारने दें, जिस दौरान इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो खराब शॉट खेलकर आउट हो जाएंगे। विराट कोहली की हालिया फॉर्म के चलते लगातार उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठ रही है। ऐसी मांग करने वालों में कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ी का नाम भी शामिल है। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने खुलकर कोहली का सपोर्ट किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैंने हारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।